सजाई गई। ईद उल अजहा की आमद आमद है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियों के साथ साथ अब बकरा मंडियां भी सज चुकी हैं। बकरे मंडियों में कामोरी, टापरी, गुलाबी और आला नस्ल के बकरे आवाम की तवज्जा का मरकज बने हुए हैं। व्यापारी बहुत मेहनत से जानवर पालते हैं, ईद कुर्बान के लिए तैयार करके फिर फरोख्त कर देते हैं। जी हां, ऐसी ही बकरा मंडी सजाई गई है गुलबर्ग में, जहां टापरी, गुलाबी, कामोरी और आला नस्ल के निहायती खूबसूरत बकरे पाले गए और अब फरोख्त किए जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हम साला साल बकरों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और आमदनी के लिए इन्हें बेच देते हैं। जी जी बाबा, ये माशाल्लाह हम लेके आते, बचपन में 6 महीने का बच्चा पाला हुआ है। हाँ माशाल्लाह, इनको बहुत खिलाते हैं, पालते हैं, साफ सुथरा करते हैं, ये मोहब्बत से पाला हुआ है बाबा। हाँ 2-3 रुपए आना जाए, हमको जो है 7 पैसे मिलते हैं, सारे जानवर तैयार करके 7 मिले, वही हमारी रोजी रिजिक है। व्यापारियों का मजीद कहना था कि हमारे पास 25,000 से 1,00,000 रुपए तक के आला नस्ल के बकरे हैं। छोटे हो गए ना, बच्चे पालते हैं, 20 का, 25 का, 30 का बच्चा पालते हैं, फिर जो नसीब में होता है मिलता है, बाकी जानवर हमारे पास अच्छे से अच्छा होता है। मैंने बच्चे बकरियां हमसे अच्छे से अच्छे नस्ल में होती है, गुलाबी में। गुलबर्ग में सजाई गई बकरा मंडी में बबलू, मोटू, गुलाबी नाम के बकरे आवाम की तवज्जा का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन फुरकान के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।